नमस्कार, आज हम लोग समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो समाकलन के पहले कुछ मानक सूत्र को लिख लेते हैं। तो मानक सूत्र में जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक ना। तो पहला है x के घात n dx, ठीक ना। ये समाकलन का चिन्ह होता है और हम पहले x के घात n का समाकलन करेंगे, ठीक ना। तो इसका क्या सूत्र होता है? तो x के घात n प्लस वन बटे n प्लस वन प्लस c, ठीक ना। कोई एक अचर पद के लिए c कांस्टेंट टर्म आता है उसके लिए ये पहला। दूसरा, अगर कोई अचर पद का समाकलन करना हो तो कोई भी अचर पद ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं। मानक सूत्र लिख रहे हैं तो पहले सिंपल x लिख लेते हैं dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस c, ठीक ना। समाकलन में प्लस c हमें आता है, सब में आता है। फिर एक बटे x के घात n dx बराबर, इसका सूत्र क्या होता है? माइनस एक बटे n माइनस वन x के घात n माइनस वन प्लस c। फिर अगला देखते हैं, एक बटे x dx, इसका होता है log मॉड x प्लस c। फिर देखते हैं e के पावर x dx बराबर, इसका e के पावर x ही आता है। फिर छठवां देखते हैं, a के पावर x dx बराबर, तो ये होता है a के पावर x बटे log ए, और इसके यहाँ पर ई बेस पर प्लस सी। तो ये हो गया, कुछ बीजगणितीय फलन हैं उनका कुछ समाकलन आधारित ये सूत्र होते हैं। अब आगे देखते हैं, सात नंबर देखिए, साइन एक्स डी एक्स, तो साइन का होता है माइनस कॉस एक्स डी एक्स सॉरी प्लस सी। आठवां देखते हैं, कॉस एक्स डी एक्स ये होता है साइन एक्स प्लस सी। नौ, साइन कॉस हो गया। अब देखते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर टेन एक्स प्लस से। अब दसवां देखते हैं, ये होता है कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस से। ग्यारहवां, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर सेक एक्स प्लस से। बारह देखते हैं, कॉसेक एक्स कॉट एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये हो गया त्रिकोणमिति फलन के समाकलन के लिए सूत्र होता है ये। अब देखते हैं इसके आगे, ये त्रिकोणमिति के लिए लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक ना। ये बीजगणित के थे तो बीजगणितीय बोलते हैं इसको, बीजगणितीय
फलन, ठीक ना, एलजेब्रिक, ये एलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ठीक ना, और ये त्रिकोणमिति। अब तो 13 नंबर देखते हैं, देखिए ये हो गया एक बटे कर्णी में एक माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 14, एक बटे कर्णी में एक माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसके इधर लिख लेते हैं, पंद्रह नंबर पे है, एक बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। 16 है, एक बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। और 17 नंबर पे है, एक बटे एक्स कर्णी में एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस से। और 18 नंबर, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस से। 19 नंबर, ये होता है टेन एक्स डी एक्स, इसका दो फॉर्मूला होता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी या लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। फिर 20, टेन है तो कॉट देख लेते हैं, कॉट एक्स डी एक्स बराबर लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, ठीक ना, कॉस एक साइन। 21, टेन कॉट हो गया, अब सेक एक्स, तो इसका होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। फिर 22 नंबर, ये सेक हो गया, कॉसेक का देख लेते हैं, कॉसेक एक्स डी एक्स बराबर लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। विशिष्ट फलनों के कुछ विशिष्ट फलनों के कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन लिखते हैं, इंटीग्रल फॉर सम पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक ना, तो इसको देख लेते हैं। पहला इसमें होगा पहला होगा एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक ना। फिर सेकंड नंबर लिखते हैं, एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। फिर थर्ड नंबर होता है एक बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इनका देखिए क्या होता है फॉर्मूला, एक बटे टू ए फिर लॉग मॉड लिखेंगे, यहाँ देखिए एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी। फिर इसमें लिखेंगे
एक बटे ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और इसमें देखिए लिखेंगे एक बटे दो ए लॉग ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस सी। इसी प्रकार बाकी अगला देखते हैं, एक बटे कर्णी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। फिर पांचवा देखते हैं, इस तरह है, एक बटे कर्णी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। और छठवां नंबर देखते हैं, एक बटे कर्णी में यहाँ ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और ये प्लस वाला है इसको भी लिखते हैं, लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेंगे प्लस, और यहाँ प्लस सी, इसका लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब देखते हैं कुछ अन्य प्रकार के समाकलन। अब देखते हैं कुछ अन्य प्रकार के समाकलन। कुछ अन्य प्रकार के समाकलन, ठीक ना, इंटीग्रल ऑफ सम अदर फंक्शन, सब अदर फंक्शन, ठीक ना। पहला देखते हैं, कर्णी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, फिर कर्णी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, फिर कर्णी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इनका है एक्स बटे दो कर्णी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और इसका हो जाएगा एक्स बटे दो कर्णी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यहाँ प्लस है, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी।